कौशाम्बी में एक किसान को कर्ज लेना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल मामला यह है कि पूरा मुक्ति थाना इलाके के पैंगर गांव के रहने वाले शंकर लाल ने गांव के ही साहूकार से 4,000 रूपए कर्ज लिए थे, जो वे पिछले 5 सालों में नहीं चुका पाए, जिसका दबाव साहूकार लगातार किसान पर बना रहा था। लेकिन अचानक ही किसान शंकर लाल का छोटा बेटा लापता हो गया। वहीं जब बेटे को खोजते हुए उसकी माँ खेतों की तरफ पहुँची तो एक अज्ञात शख्स ने बेटे को खोजने का हवाला देते हुए कहा कि किसान शंकर लाल अगर कर्ज के पैसे दे देता है तो उसका बेटा वापस आ जाएगा। वहीं अपहरण की आशंका से सहमे परिवार ने पुलिस से मदद मांगी। हालांकि पुलिस को जानकारी मिलते ही परिवार वालों की निशानदेही पर मुकदमा दर्ज कर उधार की रुपए की बात बताने वाले शख्स के साथ 2 अन्य को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी की। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। उचित धारा वाले ऊपर निगरानी कर दिया गया कि लोन हिरासत में समन लिया गया और उचित कार्रवाई वहाँ लग गया। लेटरिंग गए हमारे लड़का हुआ से नहीं, आप नहीं आए तो हम ढूंढने गए, तो ढूंढने माने वो आदमी मिला तो कहीं किन्ने का ढूंढते हो तो हम बताए कि हम लड़का ढूंढ रहे हैं अपन, तो कहीं किन्नी जिसके पहले कर्जा भर दे तो अपन तब अपन बेटवा हेरा। तो हम कहा कर्जा तुम्हार चाहता है का पैसा, कहे नहीं हमार नहीं चाहता और को पैसा चाहता है, उसके कर्जा उसके कर्जा भर दे तुम्हार बेटवा कहूँगा नहीं ना आई।